पेपर लीक होना, पेपर समय से पहले व्हाट्सएप के माध्यम से वो हो जाना, यह एक यूथ की सिस्टम चलता रहा, पेपर लीक रहा तो सर जान लीजिए हम लोग पढ़ना छोड़ देंगे सर, हम लोग को घर से एक रुपया नहीं मिलेगा सर। और सर हम बता रहे हैं सर कितने बच्चे हैं सर हम लोग की तरह सर, हमने देखा है कि कई सारे बच्चे जो हैं मोबाइल पे सर पढ़ रहे थे, वो जो एक नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीपी का एग्जाम अभी जल्द में हुआ है, ऐसे में बच्चों का कहना है कि मतलब वो पेपर लीक हो गया है, और पेपर लीक होने का कारण क्या है, बच्चों में ये क्या प्रभाव पड़ेगा इस पेपर लीक होने का। ऐसे में हम यहाँ पे हैं वेव एकेडमी में, और यहाँ के संचालक जो हैं अमित पांडे जी, हम उनसे बातचीत करेंगे इस विषय पे। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये वेब एकेडमी कब खुला और क्या उद्देश्य रहा है आपके? सभी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। वेब एकेडमी और एमपीएस क्लासेस का एक्चुअली दोनों सेगमेंट हमारे 2017 से हम लोग रन करा रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट कंपटीशन वनडे एग्जाम्स की क्लासेस आईआईटी जेईई नीट और फाउंडेशंस की क्लासेस रन कराते हैं जी। तब से लगातार वो सिलसिला चल रहा है, और अभी फिलहाल के लिए अभी हम लोग इस स्टेज पे हैं जहाँ देख रहे हैं। हाल ही में यूपीपी का एग्जाम हुआ जी जी, और उसमें पेपर लीक हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पेपर लीक हो गया ये अभी सत्यापित नहीं हुआ है जी, वो एक तरह का जो है अभी वो अंडर प्रोसीजर है, अभी जांच का विषय है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से हमारा यूथ, हमारे बच्चे इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रूफ के साथ सरकार और बोर्ड से मांग कर रहे हैं, वास्तव में उसमें सच्चाई तो लगती है। और वो जाएंगे कहाँ अगर उनकी कोई मांग है तो? बोर्ड या सरकार की का ये काम है कि उनको सेटिस्फाई करें। वो हर बच्चा, हर स्टूडेंट अपना कैरियर बनाने आया है, राजनीति करने तो आया नहीं है, वो राजनेता है नहीं, किसको अच्छा लगेगा कि इस धूप में, इस गर्मी में जाके धरना करे या वो लाठी खाए पुलिस की। तो जहाँ तक पेपर लीक का है, जैसा कि बड़े प्लेटफॉर्म्स, बड़े यूट्यूब चैनल्स और सारे लोग जिस हिसाब से दावा कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, सबको एग्जाम्स के पहले पेपर मिल गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई महसूस प्रतीत होती है जी। तो अगर अगर सरकार को ये लगता है कि नहीं पेपर नहीं लीक हुआ है, तो जो भी आंदोलन कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई करें, ये उनकी जिम्मेदारी। लगातार जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें पता चल रहा है कि पेपर लीक हो जा रहा है, तो क्या इसमें क्या समस्या आ रही है, क्या ऐसा समझ में आ रहा है? देखिए, मैं सरकार या योगी जी या किसी इंडिविजुअल्स के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी वजह से पेपर लीक हो रहा है। हाँ, पेपर लीक होना, पेपर समय से पहले व्हाट्सएप के माध्यम से वो हो जाना, यह एक यूथ की बहुत बड़ी समस्या है। अगर बच्चा 5 साल 8 साल 10 साल अपने दिन रात ठंडी गर्मी बरसात बिना देखे इंस्टीट्यूट्स को रन करता है, रात भर आँख फोड़ के पढ़ाई करता है, और एंड रिजल्ट आता है कि 2 क्वेश्चन से रह गया उसका सिलेक्शन, और पता चलता है कि अगर 10,000 सीट है तो 2,000 ऐसे आ गए जिन्होंने कहीं कहीं से सीट को परचेज किया, पेपर लीक कराया, या कोई और तरीके से उनके पास क्वेश्चन पहुंच गए, और वो 5 साल 8 साल अपना कहीं बाहर जाके पैसे कमाए, या पैसा जिनके पास है शो कार्ड धनाढ्य लोग जो हैं वो जाके उसको परचेज आउट कर लिए, और उसके बाद उनको मिल गई नौकरी। तो ऐसे में मोरल डाउन होता है पढ़ने वाले बच्चों को, और इससे क्या होता है कि जो जॉब है, जहाँ पे जॉब है जिस भी डिपार्टमेंट में, वहाँ एक टैलेंट जाने से वंचित रह जाता है जी। जो टैलेंटेड या जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो अगर ये बातें हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा मुद्दा है, देखने में ये बातें लग रही हैं बट ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं या जो भी इसकी अथॉरिटीज़ हैं उन सबको संज्ञान लेकर इसको पूरी तरह से ख़त्म कराना चाहिए कि ये फिर दोबारा ना हो। क्योंकि अगर 50 लाख बच्चे आज आंदोलन के लिए बाध्य है तो फेल्योर तो है, कहीं ना कहीं लोग फेल, कुछ न कुछ तो लूप है, और लोगों के पास जब प्रूफ है, जो प्रूफ दिखा रहे हैं, तो उसको भी तो देख कंसीडर करना चाहिए। रही बात बोर्ड की, रेणुका मिश्रा जी हैं या उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट बोर्ड है जी। वो इस बात को क्यों ही एक्सेप्ट करेगा? कभी चोर थोड़ी कहता कि मैंने चोरी किया है, वो तो कहेंगे कि एवरीथिंग इज फेयर। बट आप दूसरा पक्ष भी तो सुनिए, ये आज हमारा यूथ जो है किससे अपनी मांग करेगा? जो घर के बड़े हैं, जो घर के गार्जियन हैं, उन्हीं से तो पूछेगा। यहाँ पे आपके सेंटर में कुछ बच्चे भी होंगे जो एग्जाम दिए होंगे, ऐसे बच्चों से थोड़ा सा मिलना चाहते हैं, उनसे क्या राय है? मैं आपको क्लास में लेकर चलता हूँ, बट मेरा फिर भी
अगर आपका जो चैनल जितने लोग भी देख रहे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उन सबसे मैं अपील करता हूं कि आप अपना विरोध दर्ज कराइए, लेकिन कानून के दायरे में जी। किसी तरह का तोड़फोड़ या कोई सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाइए। आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात रखिए। और जो एक माहौल ये चलता है कि कोचिंग वाले बरगला दिए, मुझे ये नहीं समझ में आता, जो बच्चा बैचलर हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, उसको बहकाया जा सकता है? उसको तो खुद पता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग विद देम। जी जी। तो ये तो एक तरह से सिर्फ ये है कि अपनी गलती किसी एक कमजोर या किसी जो अग्रणी है उसको उठा के आपने अपना वो दिखा दिया कि नहीं, दूसरे को एग्जैक्टली वो थोपना है। मैं इस बात से एकदम एग्री नहीं करता। यकीन मानिए, जब से एग्जाम हुआ है बच्चे इंस्टीट्यूट पे बहुत कमा रहे हैं, रो रहे हैं। अब किस तरह से हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं हम जानते हैं। आप देखिए, मैं क्लासेस ओपन करके बैठा हूं ताकि बच्चे बाहर न जाएं। क्लास में रहेंगे तो वो उपद्रव नहीं करेंगे, कहीं से वो नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं, और जब हम सरकार को हर दूसरे मुद्दे पर सपोर्ट करते हैं तो हम विरोध भी तो जताएंगे जी जी, जहां हमको ऑकवर्ड लगेगा। और शिक्षक होने के नाते हमारा नैतिक धर्म और कर्तव्य भी है। चलिए, थोड़ा सा मिलवा दीजिए बच्चों से। तो आप, हम यहाँ पे हैं कुछ बच्चे, हम उनसे बातचीत करेंगे। एशिया के ड्राइवर से कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या तैयारी चल रहा है इस समय? तो भूगोल पढ़ा रहे थे। अच्छा, मतलब किस तैयारी के बेस में है ये? ये यूपीपी के लिए पढ़ा रहे थे, जो भी कैंसिल हुआ था। सोच रहे क्या पढ़ाए क्या ना पढ़ाए, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। आपका क्या मानना है यूपीपी का जो पेपर हुआ है? हमारा मानना है कि री एग्जाम सभी शिफ्टों का हो जी जी, बच्चों के निष्पक्ष जाँच हो, और जो है गलती हुई जिन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, और सभी शिफ्टों का री एग्जाम हो। यहाँ पे कौन कौन एग्जाम दिया है यूपीपी का, आप क्या कहना चाहेंगी? जो पेपर दिए हैं उसमें आपका क्या राय है? री एग्जाम हो, मतलब आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी हुई है? सर, पेपर लीक हुआ है, वो सबको लगा है, पेपर तो लीक हुआ है। और कौन यहाँ दिया है एग्जाम, और कोई दिया है इसमें? आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यूपीपी का एग्जाम दिए हैं जी, और सर इसका पेपर लीक हुआ है। सर, जो हम लोग सेंटर पहुंचे थे, तो सेंटर पहुंचने के बाद सर, जो वहाँ पहले बच्चे थे सर, उन बच्चों के मोबाइल फोन में जो है सर, वो पूरा आंसर शीट उनके पास थी, वो उस क्वेश्चन को वहीं रट रहे थे, उनके पहले वो आंसर बोल रहे थे। और सर, हम लोग को ये भी पता नहीं है कि पेपर कब से लीक हुआ है, लेकिन सर जो चर्चाएं चल रही है सर, अगर आप सेंटर में एग्जाम के अंदर हाल के जाने के पहले अगर किसी के बच्चे के फोन में जो है पूरा पेपर वहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब आपने मतलब खुद देखा है? हाँ सर, हमने खुद देखा हुआ है। अच्छा। सर, बाहर कई लड़के जो है माफिया टाइप के लड़के हैं, जो है पूरा बड़ा बड़ा बाल, ऐसा लग रहा है कहीं विदेश से आए हुए। जी जी। सर, वो एक एंगल, किसी एंगल से आप देख लेंगे सर, वो पढ़ोई आपको नहीं लगेंगे। मतलब सर, वो कहीं ना कहीं से पा गए अपना काम कर सर। उसके बाद सर, यही प्रॉब्लम नहीं है सर, हम लोग जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकल के आ रहे हैं तो सर, जो क्वेश्चन एक एक्सपर्ट को जो सर, हम लोग टेस्ट में जो है सर 130 और 135 कर रहे थे सर, उसी एग्जाम में सर 110 और 115 करना मुश्किल हो गया सर। वो बता रहे हैं कि 145 150 करे हैं उन्होंने, पूरा मतलब बताया सर, वो 145 150 कर रहे हैं सर। बताइए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है सर, हम लोग का क्या होगा सर? क्या, पहली बात क्या चाहते हैं आप? सर, हम लोग चाहते हैं री एग्जाम हो सर, और री एग्जाम के पास सर इतना ही नहीं जी, गवर्नमेंट जो है हम लोग को आश्वासन दे, आने वाले विगत वर्षों जितने भी पेपर कराए जाएंगे, सारे पेपर को निष्पक्ष तरीके से कराया जाएगा। और सर, अगर इस तरह से अगर सिस्टम चलता रहा, पेपर लीक रहा, तो सर जान लीजिए हम लोग पढ़ना छोड़ देंगे सर, हम लोग को घर से एक रुपया नहीं मिलेगा सर। और सर, हम बता रहे हैं सर, कितने बच्चे हैं सर हम लोग की तरह सर, जो कर्जा लेके पढ़ रहे हैं सर, कि हम लोग कर्जा लेके पढ़ेंगे तो आने वाले समय में हम लोग को नौकरी मिल जाएगी, मान लीजिए नवंबर से पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन सर आप बताइए इस हिसाब से हम लोग को पूरे जीवन में कभी नौकरी नहीं मिल पाएगी। और सर, दूसरी प्रॉब्लम सर ये, आरओ का पेपर लीक होता है, यूपीपी का पेपर लीक होता है सर, हम लोग से गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे प्रमाण पूछ रही है सर। आप बताइए, हम लोग पढ़ाई करेंगे लाइब्रेरी में बैठ के, घर में बैठ पढ़ेंगे, कोचिंग आएंगे, हम लोग प्रमाण ढूंढने जाएंगे? आप बताइए सर, हम सरकार क्यों बनाए हैं? सरकार बनाए हम प्रमाण दें, हम जाके हल्ला मचाए लखनऊ में? सर, मुझे बताइए, मेरे पास 50 रुपया नहीं है, मैं लखनऊ पहुंच सकूं सर, हम किस बात का धरना देंगे सर? सरकार चिल्ला रही है कि कहां सर, माननीय श्री योगी जी से हमारा अपील है कि क्या वो सो रहे हैं क्या? उनके पास कोई दिमाग उमाग नहीं है कि हमारे सारे बच्चे सर, बताइए कितने लोग, हम लोगों ने उनको सरकार बनाया सर, हम लोगों ने वोट दिया, उनकी सरकार बनी, और हम लोग सोचे थे कि नौकरियां आएंगी, हम लोग देंगे सर, 5 साल बाद वैकेंसी आने वाले, पेपर लीक होते, आप बताइए सर क्या करें? और सर, योगी जी से एकदम विनम्र निवेदन है कि अगर वो चाहते हैं कि हम लोग सुरक्षित रहें और जिंदा रहें, तो सर उनके लिए री एग्जाम कराना पड़ेगा, नहीं सर हम लोग आकर के लखनऊ में सर, वही विधानसभा में जो है हम लोग सर आत्मदाह कर देंगे, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करिए, लेकिन ये समस्या जायज है आपकी, आप भी दिए थे एग्जाम, क्या कहना चाहेंगे? फिर से एग्जाम हो,
अच्छा, आप चाहते हैं फिर से एग्जाम, आप भी दिए थे, आप क्या कहना चाहेंगे? यही एग्जाम फिर से कराया जाए, पेपर लीक हुआ है हमारे साथ, मतलब बहुत इंसाफ हुआ है। आपका सेंटर यही जौनपुर में? नहीं, मेरा बनारस गया था। आपको भी कहीं मिला कुछ देखने को? हाँ, मतलब बगल के और सारे बच्चे मतलब करके आए, वो बोल रहे हैं कि 140-135 हम ट्यूशन करके आए, जो कभी नहीं पढ़े उनका भी वही हाल है, और जो पढ़ के पेपर दे रहे हैं उनका 110-105 ऐसे सही हो रहा है, और जो कभी नहीं पढ़े हैं वो खुश हो रहे हैं, नहीं मेरा 145-150 सही हुआ है। जी, उनका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, फिर पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं हुआ। हम लोग भी ऐसे तो 5 साल कमाने जाए फिर पैसा दे के करवाए, ऐसा तो बहुत ज्यादा बहुत बुरा हो जाएगा ना। हाँ, ये समस्या जाए जाए आपकी, आप भी लोग भी दिए थे, क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाह रहे हैं, कोई यूपीपी का एग्जाम 2 घंटे का हो रहा है, कोई लड़का आधे घंटे में करके बैठ जा रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि पेपर लीक हुआ, आंसर हट के आया है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है? जी सर, सभी चारों शिफ्टों का ही पेपर लीक हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? यही सर के लिए एग्जाम चाहेंगे, और पूरी तरह से धांधली हुई है सर, पेपर लीक हुआ है। हमने देखा है कि कई सारे बच्चे जो हैं मोबाइल पे सर पढ़ रहे थे, वो जो एक आपका मॉडल पेपर था, हम कह जो है अपना मॉडल पेपर सॉल्व करे, बट सर वो मतलब आपने भी देखा था, वो क्वेश्चन भी मैच कर रहे थे। जी जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी दिया था, आप क्या कहना चाहेंगे? प्री एग्जाम हो फिर से आए, आपको भी कहीं ऐसा दिखा? यस सर। चलिए, इस प्रकार से आपने देखा कि लगातार अगर बच्चों से हम पूछें तो उनको ये देखने को मिला कि बच्चे अगर कहीं सेंटर पे हैं तो वहाँ उनको बराबर देखने को मिल रहा है कि एग्जाम से पहले ही उन्हें आंसर मिल चुका है। ऐसे में आपकी यह राय है, अपनी राय ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।